अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी काले चने की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। काले चने को आप बहुत से तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ, दो तीन तरीके से बनती है। कुछ लोग सूखे काले चने पसंद करते हैं, कुछ ड्राई वाले पसंद करते हैं, कुछ ग्रेवी वाले पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको ड्राई भी दिखाऊंगी, ड्राई चने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं काले चने की ड्राई सब्जी। और मैं इससे पहले आपसे एक बार जरूर कहना चाहूंगी कि यदि अभी आप मेरे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक के बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन दी है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे देख सके। और मुझे और भी ज्यादा फॉलो करने के लिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में मेरे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे आपको। और प्लीज मेरी रेसिपी पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए किचन चलते हैं और बताते हैं कैसे बनती है काले चने की ड्राई सब्जी। तो देखिए, ये हमारी ड्राई चना मसाला बन गई है। आप भी इसे बनाना चाहते हैं प्रसाद वाली ड्राई चना मसाला, बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हुई है फ्रेंड। देख सकते हैं बिल्कुल मसाले एकदम चने में लिपट गए हैं और मेरे सचमुच मेरे मुंह में पानी आ रही है, बहुत ही अच्छी बनी है। तो आप भी इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर फॉलो कीजिएगा। जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है अंत तक देखेंगे तो आप भी इस तरह के सॉफ्ट बहुत ही अच्छे चना मसाला बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट हमारी चना बनकर रेडी हुई है। तो इस तरह का चना मसाला बनाने के लिए आपको मेरी वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसे बनाना है। वाव, तो देखिए, काले सूखे चने बनाने के लिए एक कप चने को हमने रात भर पानी में भिंगो कर रखा था और उसे अच्छी तरह से धोकर भिंगोया था और फिर से उसे एक दो बार धोकर उसके पानी निकाल लिए, इस तरह का सूखा कर लिया हमने। तो रात भर भिंगो कर रखना बहुत ही जरूरी है तभी ये बहुत ही अच्छी बनेगी। तो एक कप हमने चना लिया है, दो हरी मिर्च को हमने बीच से चीरा लगा लिया है, एक इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह से हमने काट लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, वन टी स्पून आमचूर पाउडर, ये मेरी होममेड आमचूर है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से आप घर पर आमचूर बना सकते हैं। थोड़ी सी मैं एक पिंच हींग ऐड करूंगी इसमें, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, गोटा जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, हरी मिर्च में डाल रही हूँ इसलिए लाल मिर्च में बहुत ही कम ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ये 1 बड़े चम्मच है, थोड़ी अधिक ली है मैंने, गरम मसाला पाउडर 1/3 टीस्पून। तो चलिए बनाते हैं, किस तरह से इसे बनाना मैं दिखा देती हूँ आपको। गैस पर हमने एक कुकर रखा है, उसमें मैं डाल दूंगी ये चने जो हमने धोकर अच्छी तरह से रखा हुआ है। एक कप हमारा चना है, इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ 2 कप, एक कप हमने ऐड कर दिया और 1 कप ऐड करेंगे, 2 कप इस कप से हमने पानी ऐड कर दिया, 1 कप चना है, 2 कप पानी हमने ऐड कर दी। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी से नमक, हाफ टी स्पून नमक, और मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी सोडा, सोडा आता है उसे मैं ऐड करूंगी, तो सोडा बहुत ही कम मैं ऐड करूंगी। सोडा डालने से ये जो चने हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो देख सकते हैं छोटी वाली स्पून से 1 टीस्पून, यानी आपके स्पून से टीस्पून से 1/4 टीस्पून। तो चलिए इसे ढक्कन लगा देते हैं, कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और गैस को हम ऑन कर देंगे तेज आंच पर। हम इसे 1 सीटी आने तक पहले पका लेंगे और उसके बाद 1 सीटी आने के बाद हम इसे 1 सीटी आने के बाद मैं गैस को कम कर दूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट और पका लेंगे।
एक सीटी आने तक हमने हाई फ्लेम पर पकाया और उसके बाद हमने लो फ्लेम पर इसे दो सीटी लगा ली। चेक कर लेते हैं और उसके बाद जब गैस थोड़ी कुकर ठंडी हो गई, गैस निकल गया, तो मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए चने हमारे बहुत ही अच्छे बॉयल हुए हैं और कितनी सॉफ्ट है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हुई है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रोसेस में, बहुत ही जल्दी बनती है। गैस पर एक कढ़ाई हमने रख दी, ये प्रसाद वाले चने में बता रही हूँ, इसलिए मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे, यदि प्रसाद के लिए नहीं बना रहे तो आप मस्टर्ड ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। तो ये छोटे वाले चम्मच से हमने इसमें 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारी गर्म हो जाएगी, इसके बाद में सारी चीजें ऐड करूंगी। दिखा देती हूँ कितनी जल्दी ये बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ऑयल गर्म हो गई है, 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे और गैस का फ्लेम हमें मसाले को भूनते वक्त बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है, नहीं तो मसाले हमारे जल सकते हैं। जीरा डाल दिया हमने, अब मैं डाल दूंगी ये अदरक और ये हरी मिर्च, भून लेते हैं थोड़ा सा इसे। अदरक हरी मिर्च और जीरा भून गया, मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। गैस का फ्लेम हमें एकदम लो रखना है, मसाले जले नहीं। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 पिंच हींग, 1 पिंच हींग, और सारे को मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, इस तरह से भून लेते हैं। और चने में जो हमारी पानी है उसे भी मैं फेंकूंगी नहीं, थोड़ी सी पानी है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मसाले हमारे भून गए, ये जो चने में का पानी है उसे मैं डाल देती हूँ इसमें। देखिए 2 टीस्पून, सॉरी 2 टेबल स्पून, स्पून से मैं डाल रही हूँ, बड़े वाले चम्मच से जितने चने के पानी है उसमें ऐड कर देती हूँ इसमें, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और अब मैं डाल दूंगी इसमें ये गरम मसाला, 1/4 टीस्पून आमचूर, 1 टेबल स्पून नमक, हमने चने में भी ऐड किया था तो नमक मैं 1/2 टीस्पून ही ऐड करूंगी। सारे को मिक्स कर लेते हैं और हम ये चने को भी हम इसमें डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हमने लो रखा है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो देखिए मैंने डाल दिया चने को और पानी अधिक नहीं है, ये पानी अभी, ये मसाले भूनते भूनते सारे सूख जाएंगे और ये ड्राई हो जाएगी। गैस का फ्लेम हमें अब हाई कर लेना है, मीडियम टू हाई रखना है और इसे हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए अब ढककर हमने 5 मिनट में इसे चेक कर लिया था और फिर हमने ढक्कन हटाकर इसे पका लिया। आप देख सकते हैं चने में मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से सिमट गया है, झटपट हो गए हैं और ये चना हमारा सूखा चना बनकर रेडी हो गया। तो गैस को ऑफ कर देंगे और चलिए इसे सर्व करते हैं। ये मैं प्रसाद वाले चने बताई हूँ जिसमें लहसुन और प्याज हमने बिल्कुल ऐड नहीं किया है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं इस तरह से। आप नवरात्र के समय में हलवा पूड़ी और ये चने बना सकते हैं। तो देखिए हमारी ड्राई चना मसाला बनकर रेडी हो गई। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, जितनी अच्छी देखने में लग रही है उससे ज्यादा अच्छी ये खाने में लगेगी। इस तरह से आप इसे सर्व कीजिए, थोड़ी सी बीच में इस तरह से धनिया की पत्तियां रख दीजिए और आप चाहें तो ऊपर से इस तरह से चाट मसाला स्प्रिंकल करके आप सर्व कर सकते हैं। आप इसे शाम के ब्रेकफास्ट में भी इस तरह से बना के वैसे भी खा सकते हैं, आप रोटी चावल के साथ भी इसे खा सकते हैं, जैसे आपका मन हो वैसे आप इसे खा सकते हैं। तो आप इसे बनाइए और अपनी फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।